हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। तो गाइस, आज का दिन है जन्माष्टमी का और हम लोग जा रहे हैं साइकिल लेने के लिए। यस गाइस, आपने सही सुना, एक महीने पहले ही मैंने अपने लिए साइकिल लिया था और उस साइकिल को अपग्रेड कर रहा हूँ। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, मैं क्यों साइकिल को इतनी जल्दी अपग्रेड कर रहा हूँ, क्यों नया साइकिल लेने जा रहा हूँ, तो ये मैं वीडियो का लास्ट में बताऊँगा। तो आप पूरे वीडियो को देखते रहो। और आज पहला दिन नहीं कि हम लोग साइकिल लेने के लिए निकले हैं, आज दूसरा या तीसरा दिन है कि हम फिर से साइकिल लेने के लिए निकले हैं। जैसा कि आप लोग को पता होगा गाइस कि आजकल मार्केट में साइकिल बिल्कुल ही अवेलेबल नहीं है। तो गाइस, दो दिन पहले भी मैं साइकिल लेने के लिए निकला था, आप पहले इसको देखो। तो गाइस, आया हूँ लोधी स्पोर्ट्स गुड़गांव में, अभी लोधी फिटनेस में। और यहाँ देखते हैं कि कोई साइकिल मिलता है कि नहीं मिलता है। तो गाइस, यहाँ पे कोई साइकिल स्टोर नहीं है। अब गूगल मैप में यहाँ पे दिखाएगा कि फायरफॉक्स का शोरूम है। फायरफॉक्स का जो स्टोर था वो यहाँ से शिफ्ट हो चुका है। अभी चलते हैं नेक्स्ट गुड़गांव महरौली रोड पे, देखते हैं और भी दो तीन स्टोर्स हैं। लाइक वन है साइक्लोफिट स्टोर, साइक्लोफिट स्टोर पे जाकर के देखते हैं वहाँ पे मिलता है कि नहीं। आज मेरे को लगता है होल डे आज हमें लगेंगे साइकिल फाइंड आउट करने में। तो आप देखते रहो कि शाम तक हम साइकिल कोई ले पाते हैं या नहीं, या हमें खाली हाथ वापस आना पड़ता है। तो चलो देखते हैं। तो गाइज, अभी पहुँचे हैं घिटौरनी। घिटौरनी में एक साइक्लोफिट स्टोर है फायरफॉक्स का। तो यहाँ पर चल करके देखते हैं कि यहाँ पे कोई मॉडल है कि नहीं है। आई होप कि यहाँ पे कोई मॉडल हो, तो चलो देखते हैं। तो ये है साइक्लोफिट। तो गाइज, जैसा कि मैंने बताया था कि अभी जिस स्टोर में हम गए थे वहाँ पे भी साइकिल नहीं मिला। वहाँ पे एक दो ब्रांड बचे हुए थे और वो भी काफ़ी हाई प्राइस बता रहा था, तो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया। अभी उसके बगल में एक और स्टोर है। कौन सा स्टोर था? लोधी स्टोर है, लोधी स्पोर्ट्स स्टोर नाम है ये घिटौरनी में। अब उसमें जा कर के देख रहा हूँ उसमें है कि नहीं। बहुत ज़्यादा क्राउड है यार साइकिल स्टोर में, मतलब लग रहा है कि एकदम भीड़ उमड़ पड़ी है साइकिल खरीदने के लिए। तो अभी लोधी स्पोर्ट्स में जा कर के देखते हैं, वहाँ पे कोई ब्रांड मिलता ही नहीं है। मेरा जो रेंज है, मैं देख रहा हूँ कि कोई 50,000 तक से कम का साइकिल कोई अच्छा मिल जाए, उसको ले लूँ। तो देखता हूँ कौन सा साइकिल डिसाइड करता हूँ, आप देखते रहो। तो गाइस, ये रहा लोधी स्पोर्ट्स। लोधी स्पोर्ट्स में देखते हैं साइकिल है कि नहीं है। वाह। तो गाइस, यहाँ पे भी बस एक ही साइकिल का मॉडल अवेलेबल था जो कि पसंद नहीं आया और काफी कॉस्टली भी था। तो गाइज, आज हम लोग फिर से निकले हैं साइकिल लेने के लिए। और दो दिन पहले भी सेम मैं और विनेश निकले थे साइकिल लेने के लिए, जिसका आपने वीडियो में देखा होगा। तो गाइज, पिछले बार भी मैं पूरा वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि बहुत सारी जगहों पे गया था, थक चुका था, साइकिल्स मिल नहीं रहे थे, तो मैंने फिर छोड़ दिया वीडियो बनाना। आज पक्का कन्फर्म है, आज जाऊँगा तो साइकिल ले करके आऊँगा, अदरवाइज़ आज ढूंढता रहूँगा चाहे कहीं पे भी जाकर के मेरे को साइकिल लेना पड़े। यस, मेरे चॉइस की साइकिल नहीं मिल रही है, बिल्कुल बेसिक मॉडल ही मिल रहा है। तो आप देखते रहो वीडियो को, मैं दिखाता हूँ आपको कि कौन सा साइकिल ले रहा हूँ, कहाँ से ले रहा हूँ। अगर उस स्टोर में और भी कोई साइकिल्स अवेलेबल है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको चाहिए होगा तो आप वहाँ से जा करके ले सकते हो। तो चलते हैं फिर, मैं आपको फिर गाज़ियाबाद में उस शॉप पर मिलता हूँ। हम लोग अभी पहुंचे हैं गाजियाबाद साइकिल लेने के लिए और हम लोग जिस स्टोर पे आए हैं उस स्टोर का नाम है हीरो साइकिल्स। तो गाइस, चलते हैं स्टोर के अंदर, मास्क लगा लूं। तो ये अच्छा स्टोर है, यहाँ पे अभी कुछ साइकिल्स के मॉडल्स अवेलेबल हैं। अगर आपको चाहिए है साइकिल्स तो आप यहाँ पे आकर के ले सकते हो। तो गाइस, चलते हैं अंदर। तो यहाँ पे बहुत सारे साइकिल्स के मॉडल अभी अवेलेबल हैं।
तो गाइज यहाँ पे हीरो साइकिल्स के फायरफॉक्स के मॉडल्स वगैरह अवेलेबल हैं, आप चाहो तो यहाँ पे आके ले सकते हो। मैंने डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है। तो गाइज़ अभी हम लोग गोल्डन साइकिल्स स्टोर में हैं, गाजियाबाद है ना, गाजियाबाद में। तो अभी यहाँ पे बहुत सारे साइकिल के मॉडल हैं, तो मैं अभी भैया से बात कराता हूँ, उनके पास जो जो साइकिल्स के मॉडल हैं वो मेरे को बता रहे हैं। अगर आपको चाहिए होगा तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है, आप यहाँ पे आके साइकिल ले सकते हो। तो भैया बताओ आपके पास कौन कौन से साइकिल अवेलेबल है? हमारे पास सर फैंटम की साइकिल है, फायरफॉक्स है, हीरो है, बाकी जेंट भी है हमारे पास, देखा जाए तो जेंट कंपनी। अगर आप ऑर्डर देते हो जैन कंपनी के साइकिल का, हम पीछे से मंगवा सकते हैं ऑर्डर जैन। ठीक है, हाँ। बाकी एक साइकिल आई है हमारे पास 54,000 की है, अमेरिकन साइकिल है, जाकर अमेरिका में चलती साइकिल है। हाँ, 54,000 टेन कंपनी की साइकिल है ये, फायरफॉक्स वालों ने लॉन्च करा था नया। अच्छा, हाँ, इसके लिए ये साइकिल ऐसी है आपकी, फोल्ड वाली एक तरह से। अच्छा, ये फोल्डेबल वाली साइकिल है? फोल्डेबल साइकिल है ये, आपकी यहाँ से फोल्ड हो जाती है। ओके ओके, ये आपकी एंटी से ही फोल्ड हो जाएगी, सीट डाउन होगा आपका। ओके, साइकिल फोल्ड है, इसका बैग आता है 3500 रुपये का बैग आता है इसका। अच्छा, वो आप अलग से ले सकते हो फायर फॉक्स के सेट पे। ओके, आपको फोल्ड करना है वापसी आपकी लोन। इसी तरह से रोम ऊपर ले जाते बाइक पर चलाने का मन नहीं, गाड़ी में रख लो उठा के। बाकी से छोटे से बड़े बच्चे चला सकते हैं, छोटे बड़े दोनों चला सकते हैं। इसका एक दूसरा लो मॉडल है, 36,000 का है। सेम फ्यूचर है, बस में थोड़ा फ्यूचर जो है ये 34,000 का साइकिल है, सेम फोल्डेबल वर्जन में। 36,000 का साइकिल है। तो अगर आपको ये साइकिल चाहिए तो आप यहाँ से आकर के ले सकते हो। और ये कौन से ब्रांड की है? ये टन की फायरफॉक्स का है, न्यू लॉन्च करा है। हाइब्रिड मॉडल में है, ऑक्टेन की साइकिल, बच्चों के लिए बहुत सारे मॉडल्स हैं, हीरो स्प्रिंट के मॉडल्स हैं, ये 700 रुपये का है। और ये है एटलस के, एटलस का मॉडल है, ऐसे बहुत सारे साइकिल्स के मॉडल अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे हीरो स्प्रिंट के भी बहुत सारे मॉडल्स अभी अवेलेबल हैं, हाइब्रिड मॉडल में है साइकिल्स, रोड साइकिल्स है, तो ऐसे बहुत सारे मॉडल्स अभी भी इनके पास है। तो अगर आपको साइकिल चाहिए तो आप यहाँ से आकर के ले सकते हो। तो गाइस जैसा मैंने बताया था कि पूरे दिल्ली एनसीआर में साइकिल्स नहीं मिल रहे हैं, बट इनके स्टोर पे कुछ साइकिल्स अवेलेबल है। मैंने अपनी साइकिल यहाँ से ले ली है, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कौन सा मॉडल लिया है। और अगर आपको कोई साइकिल्स चाहिए, अगर आपको नहीं मिल रहा है, तो आप यहाँ से आकर के ले सकते हो। मैं इनका डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देता हूँ। तो गाइस मैं यहाँ से चलता हूँ घर के लिए, मैं आपको दिखाऊँगा कि मैंने कौन सा साइकिल लिया है, तो फिर मिलते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस मैंने जो साइकिल लाया ख़रीद करके वो है फायरफॉक्स का मॉडल। और गाइस अभी मैं पार्क में हूँ, बहुत ज़्यादा मच्छर काट रहा है यहाँ पे। तो गाइस मैंने जो साइकिल इस बार परचेज़ किया है वो है फायरफॉक्स का। गाइस जैसा मैंने बताया था, साइकिल कुछ भी नहीं मिल रहा है मार्केट में, कोई भी मॉडल अवेलेबल नहीं है, तो मजबूरी में आकर के मेरे को एक मॉडल लेना पड़ा। और यह है फायरफॉक्स का मॉडल। प्राइस वगैरह आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप देख सकते हो वहाँ से। अगर आपको भी चाहिए होगा तो आप साइकिल स्टोर को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। और अभी मैं आपको साइकिल दिखाता हूँ। इस साइकिल का मॉडल का नाम है फायरफॉक्स मॉन्टेना डी प्रो। अच्छी साइकिल है, मैंने चलाया भी है इसको थोड़ा सा, बट अभी 10-12 किलोमीटर चलाया है, तो साइकिल बहुत अच्छी है। आओ मैं इस साइकिल को दिखाता हूँ। का लिंक मैंने दे रखा है नीचे, आपको कोई भी डिटेल्स चेक करना हो तो उस लिंक के थ्रू देख सकते हो। तो ये साइकिल मैंने अपने पुराने वाले साइकिल से अपग्रेड किया है, तो आई होप गाइस ये वाला साइकिल अच्छा होगा।
मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था दूसरा साइकिल लेने का, क्योंकि मार्केट में साइकिल्स के मॉडल्स अभी अवेलेबल नहीं है। तो जब तक पूरी तरह से दूसरे साइकिल्स मार्केट में आ नहीं जाते हैं, तब तक के लिए मैंने यह साइकिल लिया है। तो गाइस साइकिल अपग्रेड करने का रीज़न मैं आपको बताता हूँ। तो जो मेरा पुराना वाला साइकिल जो मैंने लिया था, वो मेरे एक दोस्त जो मेरे साथ साइकिल लेने के लिए गए थे, उनको पसंद आया था। उन्होंने बोला कि चलो ये साइकिल मेरे को दे दो, मैं भी साथ में साइकिलिंग करूँगा आपके, और आप कोई दूसरा ले लो। तो मैंने सोचा चलो मैं अपने लिए दूसरा साइकिल ले लेता हूँ और इनको ये साइकिल दे देता हूँ। तो गाइज वो साइकिल मैंने अपने फ्रेंड विनेश को दे दिया और मैंने अपने लिए नया साइकिल लिया। मैं चाह रहा था और भी अच्छे साइकिल्स लेना, लेकिन मार्केट में साइकिल के मॉडल्स अवेलेबल नहीं है, तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं था। बहुत ढूंढने के बाद, जैसा मैंने आपको वीडियो में दिखाया, मैंने सारी जगह ट्राई करके देख लिया, मेरे को बस यही एक मॉडल मिला अवेलेबल, तो मैंने फिलहाल इस साइकिल को ले लिया। तो आई होप गाइस कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक करना, नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।